जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो हिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो जो भी डाउट हुआ करे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ज़रूर करें, और जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ऐसे ही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि जो भी अपडेट दी जाए यूनिवर्सिटी से लेकर तो आप तक तुरंत पहुंचे। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन पे आते हैं। पहले ऑप्शन पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर एक है 15 अगस्त 1903 को, दूसरा है 15 अगस्त 1905 को, और तीसरा है 15 अगस्त 1906 को, और चौथा है 15 अगस्त 1904 को। कब जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। तो आप तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो सैडलर आयोग किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर पहला है न्यायपालिका से, दूसरा राजस्व प्रशासन से, तीसरा शिक्षा से, और चौथा है पुलिस प्रशासन से। तो सैडलर आयोग किससे संबंधित है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षा से जो है सैडलर आयोग जो है संबंधित है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निष्पन्न सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अधोमुखी निष्पन्न सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर पहले पर है रेल, दूसरा शिक्षा, तीसरा है सिंचाई, और चौथा है गरीब हटाओ। तो किससे जो है संबंधित है अधोमुखी निष्पन्न सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षा से जो है संबंधित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला है चार्ल्स वुड, और दूसरे पे आते हैं दूसरा ऑप्शन है मैकेले, और तीसरा है कर्नवालिस, और चौथा हो जाएगा जे एस मिल। तो किससे जो है संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मैकेवेल मैकेले जो है इनसे संबंधित है। थियोसन शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक जो है मैकेले हैं। तो मैकेले जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकेले। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी? तो किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू गई थी? तो ऑप्शन में पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दूसरा लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, और चौथा हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में जो है अंग्रेजी शिक्षा शुरू गई थी? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में जो है अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई थी। तो छठे क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम तीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर पहला 1857, दूसरा 1858, तीसरा हो जाएगा 1869, और चौथा हो जाएगा 1860। कब जो है तीन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1857 को जो है तीन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसके सतत प्रयास में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किसके सतत प्रयास में? तो ऑप्शन पहला दयाराम गुंदुमल, दूसरा है डी के करवे, तीसरा हो जाएगा रामाबाई, चौथा हो जाएगा महादेव देव गोविंद रनाडे। तो किसके जो है सतत प्रयास में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डी के करवे। डी के करवे के जो है सतत प्रयास में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन दिया गया है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर पहला है जस्टिन रनाल्डे, दूसरा फिरोज शाह मेहता, तीसरा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, चौथा हो जाएगा दयानंद सरस्वती। किसके जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन दिया गया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919,
दूसरा हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और तीसरा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है किससे जो है बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू एजेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है आधारित है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर पहला संथाल विद्रोह, दूसरा पमना दंगे, तीसरा हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह और चौथा हो जाएगा इंडिगो विद्रोह जो है किससे जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा इंडिगो विद्रोह से जो है नील दर्पण नाटक जो है संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला है वैज्ञानिक आविष्कार, दूसरा पश्चिम शिक्षा और जागरण, तीसरा हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, चौथा हो जाएगा समाचार पत्रों का प्रभाव। तो किससे जो है सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा दूसरा सही हो जाएगा पश्चिम शिक्षा और जागरण। तो दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है राजस्व बंदोबस्त महवारी प्रणाली कहाँ से शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर पहला बंगाल, दूसरा बॉम्बे, तीसरा हो जाएगा उत्तर पश्चिम प्रांत और चौथा हो जाएगा मद्रास। कहाँ से जो है राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा उत्तर पश्चिम प्रांत से जो है शुरू की गई है। तो बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला है बाजीराव, दूसरा बाजीराव द्वितीय, तीसरा सुल्तान बहादुर और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1802 में जो है सिग्नेचर किया था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा बाजीराव द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर पहला है 11 फरवरी 1931, दूसरा 27 फरवरी 1931 और तीसरा हो जाएगा 13 अप्रैल 1931 और चौथा हो जाएगा 14 अप्रैल 1931। तो कब जो है चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 27 फरवरी 1931 को जो है चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा लॉर्ड एलिंग्स, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा लॉर्ड कैनिंग और चौथा हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। तो कौन जो है 1857 के विद्रोह में जो है कौन भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर पहला है देवपाल, तीसरा धर्मपाल, चौथा जो है गोपाल। किसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा धर्मपाल, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा सम्राट सबसे लंबे समय तक चला। तो ऑप्शन नंबर पहला प्लास, दूसरा राजकोट, तीसरा हो जाएगा प्रतिहार, चौथा हो जाएगा सेना। तो कौन सा जो है सम्राट जो चला था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रकूट जो है सबसे लंबे समय तक चला था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। 1850, दूसरा है 1122, तीसरा हो जाएगा 1028 और चौथा हो जाएगा 1035। कितने सूक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा 1028 जो है ऋग्वेद में सूक्त हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कालीबंगा किस राज्य में है। तो ऑप्शन पहला है गुजरात, दूसरा हरियाणा, तीसरा हो जाएगा राजस्थान और चौथा है पंजाब। तो किस राज्य में जो है कालीबंगा है। तो कौन से राज्य में है कालीबंगा जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा राजस्थान में जो है कालीबंगा जो है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर पहला है धोलावीरा, दूसरा रोपड़ो, तीसरा हो जाएगा लोथली और चौथा क्या हो जाएगा कालीबंगा। तो कौन सा सिंधु घाटी का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा धोलावीरा जो है भारतीय स्थल सबसे बड़ा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रोटो शिव मोहर जो है मिला है। तो ऑप्शन नंबर पहला है लोथली, दूसरा कालीबंगा, तीसरा हो जाएगा बनवाली और चौथा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहाँ से जो है प्रोटो शिव का मोहर मिला है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो से जो है प्रोटो शिव का मोहर मिला है।
तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन में पहला है बिम्बिसार, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा हो जाएगा उदयन, चौथा हो जाएगा चंद्रगुप्त। किसके द्वारा जो है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा उदयन। उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस मुगल बादशाह ने जिंदा पीर कहा है? तो ऑप्शन नंबर पहला औरंगजेब, दूसरा अकबर और चौथा कौन सा है जहांगीर, तीसरा जहांगीर, चौथा शाहजहां। तो किसको जो है जिंदा पीर कहा है किस मुगल को? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा औरंगजेब, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। से अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध गायक संगीतकार तानसेन का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर पहला आगरा, दूसरा जयपुर, तीसरा ग्वालियर, चौथा झांसी। कहाँ पर जो है तानसेन का मकबरा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा ग्वालियर में जो है तानसेन का मकबरा है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन पहला आहार, दूसरा सूबा, तीसरा हो जाए सरकार, चौथा हो जाए दस्तूर। तो किस में जो है मुगल प्रशासन को जिले के नाम से आया था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला तीसरा सही हो जाएगा सरकार के नाम से जो है जाना जाता है। तो आशा करते समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।